झारखंड राज्य अपने प्राकृतिक संसाधनों में भारत का अग्रणी राज्य है। यहाँ का रामगढ़ जिला कोयला उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कोयला आम व्यक्तियों से लेकर बड़े बड़े कल कारखानों के लिए अति महत्वपूर्ण है। कोयला प्रकृति का एक वरदान है, पर यहाँ के लिए यह वरदान अभिशाप बन गया है। इस क्षेत्र में सेंट्रल कोल फील्ड के कई ओपन कास्ट कोल माइंस हैं, जिस कारण अगरवा टोला, डुमरिया टोला और फाको डी के 70 परिवारों के जमीन कोल खनन के लिए लिया जाना है। यूएन के एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 228 परिवार और लगभग 1200 लोग इससे प्रभावित होंगे। 1000 से ज्यादा लोग पहले ही विस्थापित हो चुके हैं, जो अति पिछड़ी जाति और जनजाति समुदाय से हैं। एलिया वह सीसीएल उठेल थीन बोल यहाँ कोयला खदान खुल गए से यहाँ से तुहन उठा तुहन के जगह दबो बढ़िया और कमाए खाए के रोजी रोटी तो वह उठा दल थुन तो एने एलियो फिर परे जो बंगला में दल थुन इतना छोटे छोटे घर दिले हो सीसीएल कि यहाँ उतना बाल बच्चा भी ना रह सको हैं, आयल गेल भी ना रह सको हैं, कोई मेहमान भी आ गए तो कहाँ सुते भी। एक आग रूम दिले हो छोटा छोटा, खाली एगो खटिया अटो हो और ईंधना बटना वही घर में, वहाँ सुते के न पानी के न मैदान दान करे के कोई सुविधा ना हो। सीसीएल उठवाल थुन तहन बोलल थु कि दुख विपत्ति में हम इन सब साथ दबो, अभी जाइए दुख विपत्ति में कुछ गाड़ी उड़ी मांगे ला तो कोथिन के कहाँ से दबो, देबे ना कर थुन मांगवा कि दा कुछ मदे तन दवाई ववाई करबे, तबियत खराब है से तो कुछ ध्याने ना कर थुन कुछ। तो इसमें अभी फल नहीं लगा है? देखिए फल लगने का सीजन तो आ गया, फूल और फल देने के सीजन आ गया, ये डस्ट के चलते कहाँ फूल भी नहीं दिया है ना फल आया है। महुआ भी पहले से महुआ खोचे नहीं धार ली, महुआ गिरबे नहीं कर है गर्दा से। देखिए कितना गर्दा है, गर्दा हम दिखाते हैं कितना गर्दा है। तो देख लीजिए ऐसा चावल गंदा, कितना बक्सा टमरे से भी इतना गर्दा घुस गया, तो हम कैसे कहाँ से पानी लाएंगे? पानी तो व्यवस्था यहाँ कहाँ कहाँ जाएंगे? इतना ही है कि मैंने जाके बहुत दूर दूर से ढूंढोगे तो बहुत सफाई करके खाने पड़ता है, तो हम क्या करेंगे बाबू इसमें? तो बताइए तो हमको क्या पावर है इसमें करने में? तो रहते हैं गर्दा खाते हैं, सर्दी बुखार हो जाता है कभी कभी काल, तो क्या करेंगे? सीसीएल से बोलते हैं कहते हैं तो मैंने कहता है कि तू लोग यहाँ गर्दा उड़ गए, कहता है कि रोड में तुम घर बना लिया है, तो कसम है सरकार का चीज़ है ऐसे है तरह रोड का, तो कहाँ जाएंगे सब तो रोड़े पर, तो इसलिए सब चीज़ के हमको इधर दिक्कत हो रहा है, तो हम क्या करें इसमें? कहाँ जाएँ, कहाँ भगाइएगा, कहाँ करिएगा हमको? ये पानिया मिलबे ना करे तो तबरी ना हते, खदान भी जा करके खदान खुज गेल है यार, पानी उसने टानो है पनिया की खदवे से ने। कंपनी जब से आई है यहाँ तब से गोटे खदान कर दल है, सब पानी सोवा टान ले जो चप्पा कल हमेशा आने जाए पड़ो है 2 किलोमीटर। पानी के समस्या के कारण से ये गंदा पानी में नहा रहे हैं। यहाँ सामने टाटा कंपनी है, बगल में सीसीएल है, ये दोनों कंपनी ध्यान ही नहीं देता है, पानी का समस्या होते आ रहा है सब दिन। तो ये पानी कहाँ से आया है? टैंकर से आया है। तो महीना में कितना बार देता है पानी? सप्ताह में एक बार
कभी कभी देता कभी नहीं देता। इसमें मतलब क्यों लाए हैं पानी? कुएं में पानी नहीं तो नहीं, हम लोग का कुएं पूरा सूख गया। लगभग लगभग कंपनी के जितना अगल बगल के गांव हैं सभी इससे प्रभावित होते हैं। तो कितने गांव होंगे आपके हिसाब से? करीब करीब 10-12 गांव। तो आपके यहां जो सिंटेक्स है इसमें पानी कितना दिन से नहीं आया है? 5 साल से नहीं आया। और आपका यहां देखें चापाकल है, चापाकल कितने दिन से खराब है? 7 साल। रोजगार ना दे ले इंटेलिजेंट, अब तो काम हो न तो ना हो, और काम ना होते तो भूखे प्यासे रह, काम करवा तब खाना मिलते खा ले। सो भी वह एक हफ्ता दो हफ्ता के बाद लिफ्टर सब पैसा देवो थी। ची दान उड़ दम जाम करना है दोम कुटा उन्होंने तो हम ये लेको तो ये ची भी वाला तो उम्र लगी दयम न्याम जगह बंदो जा न्यू रे जम न्याम कर बतो कुले अगु या ना रे अगले न्यू बढ़ाये आधार के न्यू चबाके रोज हिलो निंका की दाका पे जो मा बा गारदार की निंका का का ना तुमने दारे लतार को सरे चला को ते बापे जो मा ला कारण दारे ना हाने अंत पड़ जो सिसल तो बोले लो स्कूल भी यहाँ खुलवा देंगे, महिला के लिए बच्चा के लिए स्कूल खुलवा देंगे, पढ़ेगा लिखेगा। पर यहाँ एक सप्ताह नियर एगो बगल के हल लड़का सब से सब एक सप्ताह के यहाँ पढ़े थे लेडीज सब के, और बाद वो भी बंद हो गए। यहाँ का मनीष खाली पेटे भात हो, बाल बच्चा दू घर पढ़े लिखे बे ना तो कैसे होते। तो अभी बाल बच्चा सबके पढ़ावे के लिए का दिक्कत हो रहा? कुछ सब चीज के दिक्कत है ना, प्राइवेट वाला में 600 रुपया लगो हन महीना में, 600 रुपया मिल तो कमेबो ना करिए महीना में। उतना बड़ा लागे सीसीएल, टाटा से भी ज्यादा बड़ा है ना सीसीएल, तो ये दे गरीब सबके कि ताकि अगला भविष्य तो हम इनके खत्मे हो गए, पर अगला बाल बच्चा सबके तो ना भविष्य खत्म होता है। रामगढ़ जिला में कोयला, लौह अयस्क और जल स्रोत होने के कारण यहां पर औद्योगिकीकरण का अपार संभावनाएं हैं, जिसका फायदा कंपनियां उठा रही हैं। पर यहां के निवासियों को इस लाभ में कोई हिस्सेदारी नहीं है, बल्कि उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। स्थानीय लोगों की स्थिति में सुधार लाए बिना ये सरकारी विकास की योजनाएं बेमानी होंगी। जब तक विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी नहीं होगी तब तक विकास का अर्थ अपूर्ण रहेगा।